सुनांदियां ने ताहा मानजलना अलैकल कुराना। मेरे रब्बुल आलमीन दा कुरान नाजल हुंदा पिया वे, इधर दोस्तां सजदा फरमा रहियां ने, हजरत उमरे फरूक दियां अखां चों आंसू जारी हो जांदे ने। अज दा मुसलमान सुनदा मगर दोस्तां जालम दे दिल दी दुनिया नहीं बदलदी, मगर मेरे अमीर मोमिनीन कुरान सुनदे जा रहे ने, अखां मुबारकां चों हजारों कतारे आंसू शुरू हो गए ने। किवें ना उमर रोंदा, उधर मेरे नबी दी दुआ कबूल हो गई, आओ इधर उमर सर लैण वास्ते जा रहा वे। जदों बहन ने मुश्कां बन ली ने, फरमाया सिगदा फरमांदियां ने, आओ मेरे प्यारे भाई जान, मैं तनू गुलाम बना के लैके जावांगी, मैं सोने नबी दे दर दा कैदी बना के लैके जावांगी। वेखाण वाला तलवार लैके आ रहा वे, हुण मेरे नबी दे दर दी मुहब्बत दा कैदी बन के जा रहा वे। इतने दे अंदर हसनैन करीमैन दे नाना जानना प्यार करन वाले आओ। मेरे अमीर मोमिनीन फरमाया, जदों दरे दौलत ते पहुँचदे ने, सरदार अमीर हमदा पुछदे पए ने, हजूर अगर उम्र खैर ना आया वे, फरमाया अहलम व शहलन मरहबा कहांगे। अगर फरमाया बुरी नीयत दे नाल आया वे, अज गर्दन उड़ा के रख दवांगा, क्योंकि मम्मी अपने भतीजे दा कलमा पढ़न वाला वे, मम्मी अपने भतीजे दे नाल मुहब्बत करन वाला वे। जिदे उहदी नज़र बुरी उठेगी, मैं ते अबू जाल दा सर भी फाड़ दिता। ये भतीजिया उदो कलमा नहीं पढ़िया जे, ते मुहब्बत दा आलम सी, हुण ते तेरी गुलामी दे अंदर सब कुछ कुरबान हो गया वे। मैं सदके जावां, मेरे नबी फरमांदे ने, मेरे चाचा परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, मेरी सरकार ने काली कमली बिछा दीती है, अपनी कमली ते जगह दे दीती। आओ फरमाया सोने माजरा की, आओ फरमाया इधर मेरे रब्बुल आलमीन ने अपने नबी दी दुआ कबूल कर ली। आओ मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जानना प्यार करन वाले, आओ अमीर उल मोमिनीन जदों आईन दोस्तां मेरे नबी दे दारे अरकम दे घर दे अंदर दाखिल हुंदे पए ने, आपने फरमाया जी उम्र आया नहीं बल्कि उम्र ले आया जा रहा है। ओ दोस्ता उमर दुनिया दे अंदर हजरत तलहा आए ने, मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने, हजरत जुबैर आए ने, मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने, हजरत नूरैन आए ने, मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने, हैदर करार आए ने, मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने, सदीके अकबर आए ने, मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने। ओ दोस्ता जेड़ा भी आया है मेरे नबी दा मुरीद बन के आया है, मैं सदके जावां उमर मेरे नबी दी मुराद बन के आया है। उमर नू रब दे कोलो मंग के लियावे, पता चलिया मेरा नबी मंगण वाला वे, रब अता करन वाला है। नबी दुनिया दे अंदर गुनाहां तो पाक हुंदा वे, उम्मी नबी दी निशानी है, नबी सो रहा वे उहदा दिल जागदा हुंदा है। और दोस्ता मेरे नबी दी इज्जत अज़मत तो कुरबान जावां, ये मेरे नबी दी निशान है। देख आले हदीस दा कीदा की, आओ असी आने एवें लभदा है जंगल बियाबान अंदर, एवें लभदा है जंगल बियाबान अंदर, मैं ते वसदा है तेरी जान अंदर, और मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं, मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, और चौकीदार भी कोई बठाया नहीं, जिथे मर्जी ओ बैठ पुकारी जा, तू रब नू वादा मारी जा। ओ दोस्त अल्लाह दी जात नू जिथे पुकारिया जाए रब उत्थे सुनदा, मगर दोस्ता मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जान ने फरमाया वे, जिस दुआ दे अंदर दरूद पाक ना पढ़िया जाए, ओ दुआ जमीन ते आसमान दे दरमियान लटकदी रहिंदी आ। देख जो अकीदा जे आले हदीस दा वे, ओ अकीदा रब दे कुरान दा वे, मेरे मुस्तफा दे फरमान दा वे। इत्थे बड़े प्यार ना कह जांदे ने, मर गया अमर दूद ना फातिहा ना दरूद, मगर दोस्ता मुँह नाल गल करनिया सौकियां ने। देख मदनी तेरी किताब का हवाला लैके आया है मुफ्ती सैयद अहमद अली, वो दोस्ता बड़े प्यार दे नाल तहतावी
सैयद अहमद तहतावी हनफी अपनी किताब मारकतुल अरा दे हाशिए दे अंदर नकल कर देने और मुफ्ती असलम सालम ओ दोस्ता लाहौर दे अंदर रहने वाला ओदे घर दा नंबर 04-5270-370 नोट करके ले जाओ। अगर झूठ होवे ते दोस्ता जो चोर दी सजा ओ मेरी सजा वे, अगर जे तेनु शक होवे मेरे नाल चल इंशाल्लाह लाहौरों मच्छी खवाऊ कसूरों फलूदा खवावांगा ते फिर तेनु उस मुफ्ती साहब दा घर विखावांगा फिर ओदे कोल बिठावांगा ते जे ना मन्ने ते फिर तेनु कूफे पहुंचावांगा। भाई जान गल सुनो, मुफ्ती साहब अपनी किताब मारकतुल अरा दे हाशिए दे अंदर नकल करते हैं कि नबी पाक दी जात ते जिंदगी दे अंदर एक दफ़ा दरूद पढ़ना फर्ज है। किन्नी दफ़ा? नबी मान ना दसो, जदों भी नबी पाक दा ना है अहले हदीसां दा अकीदा है कि दरूद पढ़ना फर्ज हो जाता दरूद पढ़ना। हुण ये जिहड़ा बहुता मुहिब्बे रसूल आ खतीब मिंबर ते बह के झूठ बोले ओदी जबान कट्टो, चोर चोरी करे ओदे हाथ कट्टो, मगर फैसला तुसी करना परे खुदा दी हुंदी आ कि अज अहले हदीस साबित करेगा कि असी नबी पाक ते दरूद पढ़दे आ और पढ़दे ही नहीं बल्कि पढ़न दा हक अदा कर देने हां। ओदी दलील की है दोस्तों? मुफ्ती असमिया दे अंदर असलम सालम अपनी किताब गुले चीदा दे अंदर लिखता है और दोस्तों अहमद अली अनफी तहतावी अपनी किताब दे आशिए अंदर लिखता पे आवे कि नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़ना जिंदगी दे अंदर एक दफा फर्ज है। मगर आले हदीस दी मुहब्बत की है, मेरी इमाम आली मुकाम दे नाना जानदा जदों महीना में नामी आ जाए उदों ही दरूद पाक पढ़ना फर्ज हो जाता है। अगे जनाब मुफ्ती साहब लिखते पे ने कि नबी पाक दी जात ते नमाज दे अंदर दोस्तों दरूद पढ़ना सुन्नत है, नमाज अंदर दरूद पढ़ना सुन्नत है। हनफिया दे मौतबर आलमे दीन लामा तहतावी अनफी अपनी किताब के अंदर लिखते पेने, अपनी किताब के अंदर लिखते पेने, अगर हवाला गलत होवे जो चोर दी सजा मेरी सजा वे, मुँह मंगिया इनाम लै जी। मगर आले हदीस दे अकीदे ते जरा गौर करदा जाओ कि साडा दरूद पाक दे बारे अकीदा की है। इलमी बात करन लगा वे, लामा तहतावी अनफी ये जड़े दरूद दे ठेकेदार बन के बैठे ने इन्हों का अकीदा पढ़ के देखो इनशाला दुध का दुध हो जाएगा, पानी दा पानी हो जाएगा, क्योंकि गुजर बड़ा कुछ जानते ने कि दुध की मकदार की होंगी है और पानी की मकदार की होंगी है। वह दोस्तों मैं अर्ज करना चाह रहा सौ, दुनिया बड़ी सियानी हो गई है, मैं आना दुनिया के अंदर मुशरक होने वास्ते बेवाकूफ होना लाजमी है और वाहद वहाबी होने वास्ते मुहक्क होना लाजमी आ। वो दोस्तों मदनी बड़े प्यार दे नाल अर्ज करने का मकसद रखता पाया है, इंशाला तेरे घर का भेदी है सारी जिंदगी कवे इंशाला आइंदा जदों आ जाओ सारिया किताबा ना लैके आवांगा। अपनी अदाओं पर गौर करो, हम बयां करेंगे तुम्हें शिकायत होगी। ओ दोस्ता मैं अर्ज करना चाह रहा वे, मेरे सरकारी मामूल भी आओ रहमतुल्लिल आलमीन ना प्यार करने वाले आओ, आदरा आखिरी बात तवज्जो फरमाना। मैं मुहब्बत दे नाल बात कर रहा वे, मेरा बरेलवी भरा मेरा वीर है साढ़े नाल रहन वाला वे, साडा किबला भी एक आओ, साडा रसूल भी एक आओ, साडा खुदा भी एक आओ, मगर रब दा वास्ता जे अपने वड्डियां दीयां किताबां पढ़ो, अपनी फुफी दे पुत्र दी किताब पढ़ के वेख लाओ। अलामा हनफी तहतावी अपनी किताब मारकतुल अरा दे हाशिए दे अंदर निकल करते ने, मुफ्ती असलम सालम जामिया सईदिया रिजविया लिल बनात दा मुफ्ती बड़े प्यार ना लिखता पिया वे कि दुनिया के अंदर नबी पाक दी जात दे नमाज अंदर दरूद पढ़ना सुनना दे, मगर अहले हदीस दी कोई किताब उठा के देख लाओ, फिका दी कोई उताब उठा के देख लाओ, दुनिया के अंदर बरेलवी अकीदा उठा के देख लाओ। वो दोस्ता तेनों कहिंदा नजर आएगा नमाज अंदर दरूद पढ़ना सुनत आओ, मगर आले हदीस दा की दावे नमाज अंदर दरूद पढ़ना वाजबे। बोलो नमाज अंदर दरूद पढ़ना दरूद पढ़ना वाजबे। देख जिन्हों मर गया मरदूद ना फातिया ना दरूद आना में पहलो फैसला करान लगा है, दोस्ता सुन्नत दा मकाम ज्यादा वे या वाजब दा मकाम ज्यादा है? वाजब फर्जा दी मनिंद हुंदा वे, बोलो वाजब फर्जा दी मनिंद हुंदा वे। मैं तो इंशाल्लाह अज बात साबित करके जानी आऊँ कि तू दरूद दा भी मुनकर आऊँ, मेरे नबी दी शान दा भी मुनकर आऊँ, तू असल गुस्ताखे रसूल है, तू दुनिया दे अंदर मियां साहब दी चूड़ी नू बिना कलमे तो जन्नत भेजदा पियावे।
और मेरे नबी दे चचा जान दी तोहीन कर दावे। ओ दोस्ता जे कलमे तो बिना कोई जन्नत जांदा हो अबू तालब जांदा हो, मेरे नबी दा सका चचा सी। मगर दोस्ता मैं बात साबित कर दीती, आओ सारी तकरीर दलैल दे नाल भरी पई है, आओ जरा मुहब्बत ना बात करदा पिया वे। मैं ते बड़े प्यार ना कह रहा वे, साडा बरेलवी भरा कह रहा वे नमाज अंदर दरूद पढ़ना सुन्नत आओ, मगर एले हदीस दा बच्चा कह रहा वे नमाज अंदर दरूद पढ़ना वाजब आओ। ईमान ना दसो जेड़ा सुन्नत कवे सुन्नत अमल रह भी जावे गुजारा हो सकदा वे, मगर वाजब रह जावे गुजारा हो सकदा हो, मगर दोस्ता गुजारा नहीं हो सकता। इधर मेरे इमामे आली मुकाम देना ना जानना प्यार करने वाले आओ, अहले हदीस दा अकीदा नोट कर लो, दरूद तो बिना नमाज कबूल नहीं गे। जिस जनाजे दे अंदर दरूद पाक ना पढ़िया जाए रब नू वो जनाजा कबूल नहीं गाओ, जिस दुआ दे अंदर दरूद पाक ना पढ़िया जाए रब नू वो दुआ कबूल नहीं गे। ओ दोस्ता दुनिया दे अंदर मैं सदके जावा, ये अहले हदीस दा अकीदा नोट कर लो, ये जनाब दुनिया दे अंदर सुनना समझते ने, असी नमाज अंदर दरूद पढ़ना वाजब समझते हैं। ओ दोस्ता मैं सदके जावा, देख आले हदीस दा अकीदा है, मेरे नबी पाक अली सलाम ना प्यार करने वाले आओ। मैं अन्ना दुनिया दे अंदर बंदा सारी दिहाड़ी फारग वक्त दे अंदर दरूद पढ़ता रहे, हदीसे पाक दे मुताबिक दुनिया दे अंदर रब कोलों कुछ भी ना मंगे, अल्लाह पिन मंगे सब कुछ अता कर देगा। ये दरूद पाक इन्नी अमल इन्नी आन वाला इन्नी शान वाला अमल है, हुण भी जे कवे इहदा दरूद ना प्यार नहीं ते भाई जान वो हस्पताल दाखला लवे, जे नहीं मिलता ते मैनू कवे मैं शालीमार दाखल करा देना जाके। मगर दोस्तों मैं अर्ज करना चाह रहा मैं किसी के उत्ते बतान ना लगाया कर, असी ते आने मगर तू आना नामे मुहम्मद जागते तुम्हें आओ, सब तो पहले आदम चुमे आओ फिर चुमे अली उस्मान जी दे विच दो मीमा। मगर इतने भी एक उलमी नुकता बयान करना चाह रहे, मां कान मुहम्मद अबाहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, मेरा नबी पहलिया नबिया की शरीयत नू खत्म करने वाला बन के आया वे, मेरा नबी पहलिया नबिया की शरीयत नू खत्म करने वाला बन के आया है। भई मान ना दसो ली गल सुन वाली इलमी बात है, इतने नुकते की बात है, अगर घड़ी की घड़ी मन भी लिया जाए कि आदम अलैहि सलाम ने चुमया, हालांकि उसकी दलील की है ईसाइया की किताब अंजील बरना बास के अंदर लिखे आए कि नबी आदम अलैहि सलाम ने वेख्या और गूठिया चुम के अखा के नाल लाया वे, मगर साडा अंजील तो ईमान है, मगर शरीयत ईसा ते साडा ईमान नहीं जाओ। ओ दोस्ता अगर दुनिया दे अंदर ने फरमाया ओ मेरा नन्ना जिहा फरमाया यहूदी बच्चा किते आ मैं सदके जावां, इधर दोस्ता बात सुनन दे काबिल मेरे नबी दे यार दुनिया दे अंदर बड़ी आन वाले बड़ी शान वाले, मगर यहूदी बच्चे दे बाप देख दे ले अंदर मेरे नबी दी इको बात कर कर जांदी है कि किते मेरा नन्ना जिहा शहजादा ओ किते यहूदी बच्चा ते किते मदीने दा ताजदार, और कह रहा कि मेरा यहूदी बच्चा किते आओ वो मेरे नबी ना प्यार करने वाले आओ, दी एक अकलड़ी जान सी ओ दी एक अकलड़ी जान सी सच्ची गल ते मिठी, मगर सदके जावा ओदी एक अकलड़ी जान सी ओदा दुश्मन सारा जहान सी, पर सच्ची गल ते मिठी जबान सी ताइयों सारे जहान ते छा गया। इधर मेरे इमामे आली मुकाम देना ना जानना प्यार करन वाले आओ, देख मदीने दे ताजदार बड़ी प्यार ना कह रहे ने ओ मेरा नन्ना जिहा यहूदी बच्चा किते आओ, बाप दे दिल अंदर मेरे नबी दी मुहब्बत कर कर जांदी है, एवें नहीं दुनिया दे अंदर मक्के दे लोग आंदे सी जिहड़ा ओदे मत्थे लग जांदा है ओदा ही हो जांदा है जिहड़ा ओदे मत्थे लग जांदा वे ओदा ही हो जांदा है। इधर दोस्ता मैं अर्ज करना चाह रहा मेरी सरकार मदीने दे ताजदार ना प्यार करन वाले आओ, हुसैन दे ना ना जांदा कलमा पढ़न वाले आओ, कदी देखिया करा ले मुहम्मद दा मकाम की आओ, मेरे नबी दा प्यारे मकाम नाल किन्नी शान वाला वे, जदों फरमाया हजूर बच्चा बीमार है मेरे नबी पाक दी अक्खा च वासू मुबारक जारी हो जांदे ने, यारां दे कोलों कदी यारां दे दुख बर्दाश्त नहीं होए, मेरी सरकार फरमाया नन्ने
ने जे यहूदी बच्चे दे करीब पहुंच जाते ने। अज दे मुल्ला नू मैं चैलेंज दे के कहन लगा वे जेड़ा आंदा निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरे जो हो जाके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरे। ओ दोस्ता अगर कोई दुनिया दा वली निगाह ना तकदीर बदल सकदा वे मैं सारी दुनिया दे वली कट्ठे करके हुसैन दे नाना जान दे कदमा पाकां दी खाक तो वार देवां। अगर निकाह ना तकदीर बदलनी हुंदी मेरे हुसैन दे नाना जान कदी भी उस बच्चे नू कलमा पढ़न दा हुक्म ना देंदे। मरे मरे नबी पाक ने निगाह दे नाल ही कलमा पढ़ा लेंदे। अगर निगाह ना तकदीर बदली जांदी हुंदी नबी पाक कदी भी अपने चचा जान नू जहन्नम दा बालन ना बनन देंदे। सरदार अब्दुल मुतलब नू निगाह दे नाल ही कलमा पढ़ा लेंदे। मगर दोस्तां मैं किथे किथे तैनू अकीदा दी बात समझावां। अज मेरे कोल वक्त किल्लत है मगर है भी ताकरा दे। मैं चाहना या अल्लाह जे अज मौका दे दिता समा बन गया है अज मसलक बयान हो जाए अकीदा बयान हो जाए किसी एक बंदे नू भी समझ आ गया तो सारिया की निजात का जरिया बन जाएगा। इस वास्ते दोस्ता मैं अर्ज करना चाह रहा देख अल्लाह समा बना देंदा। हालांकि मैं ते बड़े प्यार नाल एक घंटे च बात खत्म करके अगली तकरीर ते पहुंचना सी मगर दोस्ता मैं मुहब्बत ना बात करना चाह रहा ताडे खलूस दियां बरकतां ने मैं ते कहा करदा मैं महफिल पाक विच बैठन वालिया ते अल्लाह पाक ने करम कमाए होए ने साडा ते कोई कमाल नहीं रब दी सौ अरशां वाले ने रंग चढ़ाए होए ने। बोलो रंग कौन चाड़दा है? अल्लाह दी जात चाड़दी है। हुण ना मैं करामत दी गल सुना रहा कि ओ यहूदी बच्चा है इधर यहूदी औरत है चूड़े तो यहूदी च फर्क की आ इक्को गल ही है ना। मगर दोस्तां मैं अर्ज करना चाह रहा मैं इधर दोस्तां मियां साहब दी चूड़ी इधर मेरे हुसैन दे नाना जान दा चूड़ा है। मगर दोस्तां मैं वेख मलियां दे अंदर तुहानूं साबित करना चाह रहा कि साडा बरेलवी भरा मेरे नबी दी किवें तोहीन करदा वे। आंदा हले हदीस नबी दे गुस्ताख ने मगर मैं गुस्ताखे रसूल नूं साबित करके जान लगा है। जाओ लाहौर दी किसी अदालत दे अंदर मेरे ते दावा करो इंशाल्लाह तेरे घर दियां सारियां किताबां लै के जवाब देवांगा। ओ दोस्तां कोई अपने कोलों बात नहीं करदा पिया ऐ जी मियां साहब दी चूड़ी जन्नत अंदर चलेगी। देख मेरे नबी पाक बड़े प्यार ना फरमांदे ने ए मेरे नन्ने जे शहजादे तू मेरे ना बड़ा प्यार कीता है मेरे ना बड़ी मुहब्बत दा इजहार कीता वे मेरे ना बड़ी मुहब्बत दा इजहार कीता है। ए मेरे नन्ने जे शहजादे दुनिया दे अंदर पता नहीं जिंदगी दा साना के नहीं आना तू फरमाया मेरे ना प्यार करन वाला है। मैं चाहना दुनिया दे अंदर भी मेरे नाल सकल कयामत नूं भी मेरे नाल होवे मेरे जूते साफ कीतियां दा मुल पै जे। मैं चाहना जिंदगी ने पता नहीं वफा करनी के नहीं। इधर दोस्तां मेरी इमाम आली मुकाम दे नाना जान बड़े प्यार ना बच्चे दियां मिन्नतां कर रहे ने तजवीज़ां पेश कर दे पैने नन्ने जे शहज़ादे कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। ए नन्ने जे शहज़ादे अल्लाह दे कौन दी गवाही दे दे मैं मदीने दा ताजदार मेरे रसूल ओन दी गवाही दे दे मेरे जूते साफ कीते भी कम आ जाएंगे मेरा मांजा दिता भी कम आ जाएगा मेरे ना मुहब्बत कीती भी कम आ जाएगी। ओ दोस्ता मैं पूछना चाह रहा है अज दा सूफी कह रहा कि मियां साहब दी चूड़ी सीधी जन्नत नू जालगी मियां साहब दी चूड़ी नू दुनिया दे अंदर साफ नहीं देना पिया सीधी जन्नत नू गई। ओ दोस्ता अगर कलमे तो बिना चूड़ा जन्नत च जाना हुंदा मेरे नबी दा जांदा मगर मेरा नबी ते कह रहा बच्चिया ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। अज दोस्ता कह रहा कि मियां शेर मुहम्मद दी चूड़ी है जी कबर दे अंदर बिना साफ तो जन्नत अंदर चलेगी। ओ दोस्ता असी ते मुसलमानां नू इस दुनिया दे अंदर तलीम देने आऊं अगर कलमे तो बिना कोई जन्नत च जाना हुंदा मेरे नबी दा सका चचा चचा अबू तालब जन्नत दे अंदर जांदा जिन्हें फरमाया उंगली दे नाल ला के सैर कराई जिन्हें शाम दा सफर कराया वे जिन्हें सिजदा खदीजा तुल कुबरा दे नाल निकाह पढ़ाया है जिन्हें फरमाया सारे मक्के दी दुश्मनी अपने सर ते लई जी जिन्हें पौने तीन साल शेबे अबी तालब दी अंदर कैद कट्टी जी
अगर कोई कलमे तो बिना जन्नत अंदर जाना हुंदा हो, नबी इब्राहिम दा बाप जन्नत अंदर चले जांदा हो, क्योंकि नबी इब्राहिम ने कहा अल्लाह मैनू लाज लगदी है कि नबी इब्राहिम दा बाप दोजख नू जा रहा वे। ओ दोस्ता मेरज करने दा मकसद रखदा वे, मैं बात साबित कर दीती आओ, इत्थे मियां साहब दी झूड़ी नू जन्नत दे विच वाड़दा फिरना है। हस्पताल दाखला लै अपने कीदे दी सलाह करे, मेरे हुसैन दे नां ना जान दी तोहीन करदा वे। ओ दोस्ता मेरे नबी दा झूड़ा वी इधर दोस्ता जन्नत च जान लगा है। इधर बच्चे ने बाप नाल निगाह मिलाईए, बाप ने बड़े प्यार नाल मेरे नबी दे दिल ते अग्गे जित लिया सी। बाप ने कहा बच्चिया हुण अपनियां मर्जियां कर, घरायां नू की मोड़ना वे। इधर मेरे इमाम आली मौका आउंदे, ये प्यारे नन्ने जे शहजादे गुलाम ने कहा ये कमली वालिया पढ़ाओ कलमा। इधरों कलमा मुकम्मल हो गया वे, मेरे नबी ने अपना कमाल जार नहीं किया। अज ते अखबारां दे अंदर आ जांदा है इन्ने फलाने ने मुसलमान किए ने, इन्ने फलाने ने मुसलमान किए ने, इन्ने फलां दा कमाल है, ए अंदर फलां दा कमाल है। मगर दोस्ता मेरे रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब ने फरमाया, बुखारी शरीफ अंदर रवायत आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लाजी अनकाज़ाहू मिनन्नार। या अल्लाह तू बड़ियां तरीफां दे लायक है, बड़ियां तरीफां दे लायक है। मैं सदके जावां दोस्ता मैं अर्ज कर रहा सा, मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जानना प्यार करन वाले आओ, कदी गौर दे नाल मुहब्बत दे नाल बात करन जा रहा मैं, जरा मुहब्बत ना बात सुनन दे काबिल है। सरकारी इमाम उलंबी आओ, रहमत लिल आलमीन ना प्यार करन वाले आओ। मेरे नबी फरमांदे ने या अल्लाह तू बड़ियां तरीफां दे लायक है, जिन्हें फरमाया इस नन्ने जे बच्चे नू जांदियां जांदियां दोजख तो आजाद करके जन्नत दा हकदार बना दिता है। भई मान ना दसो ये जड़ी करामत मैं सुनाई है झूठी के नहीं? मन कड़त करामत है जड़ी आंदे मियां साहब दी चूड़ी जन्नत चलेगी। और बोलो कोई कबरां दे हालात जान सकदा? इधर दोस्ता मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जान ने फरमाया, मेरी प्यारी सजदा हो, फरमाया जी जी आका हुजूर हुकम की आओ, फरमाया मेरी प्यारी सजदा मेरे करीब आ जाओ, सजदा फातिमा करीब आ जांदियां ने। आप बड़े प्यार नाल मुहब्बत दा इजहार करदियां ने, इतने दिन अंदर मुहब्बत दे नाल बात करदियां पईयां ने। ये दुनिया दे अंदर मेरे बाबा अगे कदी फरमाया इंज नहीं बुलाया जी। वो दोस्ता इमाम आली मुकाम दे ये प्यारी अम्मा जान नू हुसैन दे नाना जान बुलाया, फरमाया मेरी बेटी अज दुनिया दी जड़ी दौलत मंगनी है मेरे को लेला मैं पेश कर दवांगी, मगर फरमाया कारजारे मैदान लगा होवेगा, सूरज सवा नेजे ते अग बरसा रहा होवेगा। ये मेरी प्यारी बेटी तेरा मुहब्बत ना बात करना चाह रहा वे, सजदा फरमा रही ने। ये मेरे बाबा अज किस वजह तो बुलाया वे, हसनैन करीम देना न जाने फरमाया। ये मेरी प्यारी बेटी इस दुनिया के अंदर कबर के अंदर भी हसब काम नहीं आएगा, नसब काम नहीं आएगा। ला उगनियन के मिन अल्लाह शई आओ, मैं फरमाया कल कयामत दे दिन भी तेरे काम नहीं आवांगा। किते गुमान ना कर ले कि मैं हसनैन करीमैन दी अम्मा जाने, मैं हैदरे करार दी बीवी आओ, मैं हुसैन दे नाना जान दी फरमाया नन्नी जी बेटी है, इस वजह तो मैनू पुछनी होवेगी। ये मेरी प्यारी बेटी उत्थे अपने अमलों का हिसाब देना पवेगा, उत्थे अपने अमलों के नाल निजात होवेगी। इस वास्ते दोस्तां मैं ना एक दफा फरमावांगा, मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जानना प्यार करन वाले आओ, कोई इल्मे गैब नहीं जानदा। अल्लाह दा कुरान कह रहा आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदा। फरमाया मैं अपना इल्मे गैब किसे दे इज़हार नहीं करदा, या अल्लाह किन्ना नू देना है इल्ला मान इरतदा मिन रसूल, मैं अपने रसूलां चो जिन्नू चाहवां इल्मे गैब दी खबर अता कर देना है। तो दोस्ता मन्ना पैगा कि जो अकीदा दे आले हदीस दा वे वो अकीदा रब दे कुरान दा है, मगर मैं ते मुहब्बत ना बात कर रहा कि कुरान और साफे कुरान कदी गौर करया करके कुरान की कहिंदा है और साफे कुरान की कह रहा वे। इधर दोस्ता मेरे नबी फरमांदे ने असी मंगण वाले रब अता करन वाला है। ओ दोस्ता वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम, रब को जदों मंगो रब अता कर देंदा है।
मगर दोस्त अज का बेईमान कह रहा साडिया सुनदा नहीं गे नेक बंदियां दियां मोड़दा नहीं मगर रब आंदा एक है जी जनाब दुनिया के अंदर रब चिले कट्टियो बगैर नहीं मिलता जंगलों के अंदर जायो बगैर नहीं मिलता जती शतीरिया बगैर नहीं मिलता मगर बाबा बहू बड़े प्यार आंदा है वो जे रब मिलदा ओ नात्या तो दया मिलदा डडिया मछिया ओ जे रब मिलदा ओ मोन मनाया जड़ी सरकार दे बरवटे मुन्ने होन दाड़ी मुन्नी होए मुच्छा मुनिया होन ये पहुंची सरकार है मगर बाबा बहू आंदा एवें रब नहीं मिलदा आंदा जे रब मिलदा ओ मोन मनाया ता मिलदा भेड़ा ससियां ओ ओ जे रब मिलदा ओ जतियां सतियां इत्थे जनाब मैं पांडो की गया बुल्ले शाह दे बाप दे दरबार ते पहुंचिया वे उतों जनाब बाबा दरबारी उस दरबार दा मजावरे मैनू आंदा आओ शाह जी आओ मदनी जी मैं तुहानू जनाब बुल्ले शाह दियां भैणां दियां कबरां दिखावां मैं कहा चलो बाबा जी देख लैने आं कबरां देखियां ते कच्चियां नजर आईयां ने मैं कहा बाबा जी किन्नां दियां कबरां ने इह जी बुल्ले शाह दियां भैणां दियां कबरां है मैं कहा बाबा जी की वादे वजाए इह जी ये तारक दफन होईयां ने इह जी दुनिया दे अंदर ये दुनिया दे अंदर तारक दफन हुई है मैं कह बाबा जी वजह की है एह जी उस वक्त सैयद लब्बा कोई नहीं तो मैं कह आज कितों आ गए ने मगर दोस्ता मैं आना कोई आंदा जी आप बजुर्ग जती सदीए इन्हें शादी नहीं कराई मगर अन्ने कहा निष्फल ईमान ने कहा अद्धा ईमान है बोलो निका अन्ने कहा मेरी सुन्नत ही मेरे नबी दी सुन्नत है वो दोस्ता मन्ना पै गए सारिया दुकानदारिया ने बाबा बहू बड़े प्यार आंदा जे रब मिलदा ओ जतिया सतियां ता मिलदा टिगिया मछिया बड़े प्यार ना बाबे ने तर्जमा किया ते आले हदीसा दे नाल दाओ के दुनिया दे अंदर अगर जती सतीरिया रब मिलदा वे ता टगिया खसिया नू रब मिलदा है अगर दुनिया दे अंदर किनू मिलदा वे बाबा बहू आंदा बहू रब उन्हां नू मिलदा बाहू ओ निगता जिना दिया अच्छिया हो और दोस्तों मैं बड़े प्यार दे नाल अपने मजमून ते बात की थी आओ कि अल्लाह दा कुरान कह रहा फला या तदब्बरून अल कुरान ये कुरान ते गौर क्यों नहीं कर दे जे आओ जरा दोस्ता दुनिया दे अंदर मेरे नबी ने दुनिया दे अंदर रब को मंगया या अल्लाह दोवां उमरां दे विचों एक उम्र दे दे ओ दोस्ता मैं पूछना चाह रहा वे अगर मेरा नबी कादरे कुलों मुख्तार हुंदा मेरे नबी नूं किसे चीज़ दी मंगन दी लोड़ नहीं रहनी सी मगर सदके जावां मेरा रब इस आयत की तर्जमानी कर रहा वे दुनिया के अंदर देख मेरे नबी की किन्नी आन है किन्नी शान है रब अपने नबी की मोड़दा नहीं रब ने तेरशा ते बुला के भी कहा है वाला सौ पाओ यो ती कर बूंगा पतर ए कमली वाले आ पूरा जहान कह रहा वे अल्लाह मेरे ना राजी हो जाओ मगर मैं तेरा खुदा हो के कह रहा के सोने तू मेरे ना राजी हो जाओ रब ने अपने नबी नू राजी किया है अल्लाह ने क्या सोने जो मंगदा जाएगा फरमाया जो दुनिया दे अंदर मंगदा जा फरमाया मैं तेनू अता करदा जाऊं ए कमली वाले आ सोनिया महबूबा इस दुनिया के अंदर कदी गौर दे नाल बात सुनो मुहब्बत दे नाल बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने नबी ने इस दुनिया के अंदर वकाल रब्बू को मदऊनी क्यों भी मंगन का वेला मंगना जे कि तुसी भी नहीं है तो बोलो किदे को मंगीदा है अल्लाह को मंगीदा ना तो आ नबी पाक भी मंगन लगे ने नबी पाक भी मेरे नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया या अल्लाह दुनिया के अंदर दोवां उमरां दे विचों एक उम्र चाहिदा है मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए कमली वाले तुसां आखदे हो असां मोड़ना नहीं तुसां आखदे हो असां मोड़ना नहीं
असा दिल महबूब दा तोड़ना नहीं, जो लेना ही ले जा चुप करके, जो मनाना मना जा चुप करके। मेरा नबी मंगदा जा रे, रब अता करदा जा रहा वे। आओ जरा नबी मंगन लगा, या अल्लाह या उमर इब्न अल शाम दे दे, अल्लाह या उमर इब्न अल खताब दे दे। इधर मेरा नबी मंगदा जा रहा वे। इधर दोस्त अबू जाल ने बड़े मीटिंग सजाई है। अबू जाल कह रहा, सौ ऊंट इनाम दवांगा, हसीनो जमील बड़ा कुछ दवांगा, माल दवांगा, इतने दिनार दऊं, इतने दरम दऊं। बड़े प्यार नाल इनाम मुकर्रर कर रहे है। मेरे नबी पाक अली सलाम ने इधर दुआ कर दीती है। हुण इधर दुआ अरशां ते जा रही है, इधर उमर सार लैन वास्ते आ रहा है। गल सुनन दे लायक है कि अज असी भी कुरान सुनने, मगर साढ़े दिल की दुनिया बदलती नहीं। साढ़े दिल की दुनिया असी आने पता नहीं मौलवी ने कदों जान छड़नी। एक बाबा मैं बड़िया ऐतां पढ़िया तो शोरकोट तो भाई जान तकरीर करदा करदा ना, एक बाबा का रब की सहु कुरान इन्ना है ही नहीं गा रहे। मगर दोस्तों मैं अर्ज़ करना चाह रहा, इतने दिन अंदर मैं बड़े प्यार दे नाल कल तकरीर करता पाया, मैं सरगोदे दे अंदर क्या वो दोस्ता कार जा रहे, मैदान लगा होगा, सूरज सवाने देते अग बरसा रहे, अगर जमीन तांबे की तरह तब्दी होगी। मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो दोस्ता पुलसरात फरमाया, तलवार ना तेज़ होगी, तलवार की धार ना तेज़ होगी, वाल ना ज्यादा बरीक होगी। एक बाबा मूंजी फंडदा बड़ा क्या सी, रात का एक बज गया तो खड़ा होके कहिंदा वे ये मौलवी साहब मारता एक बजे तक तकरीर सुनाउंदे आ, सुबह मूंजी फुंडदे आ मंगदी, रात नूं तकरीर सुना के फंडिया जे, हुण एक बजे सीधा खंदे आ वे कि बड़ा बरीक दिन वाल दे नालों ज्यादा बरीक होवेगा, तलवार की तार ना ज्यादा तेज होवेगा। और उस पुलिस रात तो बंदे गुजरनगे, मौलवी जी एडे स्यापे च क्यों पै जे, एडा स्यापा क्यों करदे पै जे, सीधा वाल को पौना के जन्नत जान नूं राह ही कोई नहीं गा। आंदा सीधा ही कह जन्नत जान नूं, आंदा वेखो इत्थों ते कीड़ी नहीं लंघ सकदी, मैं जे पंज मन दा मौलवी लंघ जू ते तू वी लंघ जावेंगा। भाई जान कदी गौर करो कि मेरे नबी पाक अली सलाम दे नाल तेरी मुहब्बत किन्नी कुआ, और सानू मुहब्बत किन्नी है। नबी पाक ने दुआ मंगी ते अल्लाह दुआ रद्द कीती। ऐ वाकया सुना के ते मैं इजाजत चाहूँ, फिर कभी मौका मिलिया तो इंशाल्लाह रबी अव्वल च शान मुस्तफा सुनावांगा। अज मैं इंशाल्लाह ये वादा पूरा कर दिता है, बेच इंशाल्लाह वजाहत कर दी मसलक दी, और नाल मैं ये आखिरी बात सुना के इजाजत चाहवागा। मेरे अमीरुल मोमिनीन बड़े प्यार दे नाल दोस्ता अबू जाल दी बात सुन के सरदार अमीरुल मोमिनीन फरूक आजम अपने घर दे विचों चलदे पए ने, वो दोस्ता मनियार ने विचों तलवार निकलदी पई है। और बड़े प्यार दे नाल शबाद दा तज़किरा करना चाह रहा वे, मेरे इमामे आली मुकाम दे नाना जान ने बड़े प्यार नाल दुआ कीती, आओ वो दोस्ता सईदा शबाबे आले जन्ना दे नाना जान दुआ करदे जा रहे ने, या अल्लाह दोवां उमरां दे विचों उमर चाहीदा वे, देख मेरा नबी दुआ करन वाला रब कबूल करन वाला है। इधर उमर तलवार लेके चलदा पिया वे, ओ दोस्ता रस्ते दे अंदर मेरे नबी दा यार नहीं मिलदा पिया वे, आंदा है प्यारे अमीर मोमिनीन अजे कलमा नहीं पढ़िया, मुसलमान नहीं होए। फरमाया सरदार फरूक जी ये प्यारे उमर किधर जा रहे जे, फरमाया मैं इस्लाम दा दीवा बजाण वास्ते जा रहा वे, मैं सोने मुहम्मद दा सर लैन वास्ते जा रहा वे, मैं इमाम आली मुकाम दे नाना जान दा सरे अनवर लैन वास्ते जा रहा। दोस्ता चलदिया चलदिया मेरे नबी दे यार ने कहा, उमर तू फरमाया ते नबी दा सर लैन वास्ते जा रहे है, जेड़ा इस्लाम दा दीवा बजाण वास्ते जा रहा वे, उस इस्लाम दे दीवे दी शम्मा ते तेरे घर तक भी पहुँच गई आओ, उस इस्लाम दे दीवे दी रोशनी ते तेरे घर तक भी पहुँच गई आओ। मेरे अमीर मोमिनीन सैयदना फरूक आजम ना प्यार करन वाले आओ, सरदार हजरत उमर फरूक ने अपने नबी दी तरफ जान दी बजाए, वो दोस्ता बड़े प्यार ना अपने घर दी तरफ मुँह मोड़ लिया वे के पहलों अपने घर वालों नूं सबक सिखावांगा, फिर मैं मदीने दे ताजदार दा सरे अनवर लैके आवांगा। दोस्ता चलदियां चलदियां जदों अपने घर दी धरे दौलत ते पहुँचदे ने, सईदा फातिमा फरमांदियां ने, जदों सरदार अमीर उल मोमिनीन फरूक आजम ने आके दस्तक दित्ती है, फरमाया मेरे नबी दा यार दोवां फरमाया मियाँ बीवी नूं कुरान दी तलीम दे रहा सी। इधर सईदा फातिमा दियां हाई निकल जांदियां ने, अखां मुबारकां च आंसू जारी हो जांदे ने, हाए उमर साडा असली दुश्मन आ गया वे, हुण की बनेगा, रब दी कलाम भी मेरे घर दे अंदर है। वो दोस्ता अमीरुल मोमिनीन
सैयदना फरूक आजम नरमाया उस वक्त का बहुत बड़ा सरदार जी और बड़ी जाहो जलालत का मालक सी, बड़े दोस्त इनामो कराम वाला जी, बड़े जाहो जलाल वाला जी, अमीर उल मोमिनीन दी प्यारी बहन सजदा फरमा रही ने, ये मेरे प्यारे सर देता सही जल्दी आओ, मैं सदके जावा कौन सही दे जिड़ा आशरा मुबशरा दे अंदर शामिल आओ। ये फरमाया घर का दमाद भी फरमाया आशरा मुबशरा दे अंदर शामिल है, मेरे अमीर उल मोमिनीन दा बहन होई भी आशरा मुबशरा दे अंदर शामिल है, घर का साला भी आशरा मुबशरा दे अंदर शामिल आओ। इधर सही फरमा दे ने नी प्यारी बहन मेरी नियां दी अंदर मेरी प्यारी बीवी घबराने की लोड़ नहीं, कुरान नु छुपा दिता जाता है, वह दोस्त दुनिया के अंदर सजदा फरमा रही ने, जो प्यारा कुरान छुपा दिता जाता है। इधर सजदा फातिमा बड़े प्यार दे नाल दरवाजा खोल दियां ने, हजरत उमर बड़े गुस्से दे नाल दाखल होंदे ने, फरमाया नी सजदा दसो मैनू किसी चीज की पढ़ने की आवाज आ रही सी, मैं सुनिया तुसी मदीने दे ताजदार दा कलमा पढ़ लिया है, फरमाया हाँ हाँ मेरे भाई जान मैं झूठ नहीं बोलांगी, जालम हुक्मरान दे सामने कलमा हक कहना एहो ही अफजल जहाद है, मगर सदके जावां जिहड़ा मेरे मदीने दे ताजदार दा कलमा पढ़ लवे ओ जानी ते हो सकदा है, शराबी ते हो सकदा वे, झूठा नहीं हो सकदा ओ दोस्ता कज़्ज़ाब नहीं हो सकदा। मेरे नबी ने फरमाया है कि दुनिया दे अंदर मुसलमान हेरी फेरी कर सकदा वे, मुसलमान जना कर सकदा वे, मुसलमान दुनिया दे अंदर शराब पी सकदा है, मगर दोस्ता कदी झूठा कज़्ज़ाब नहीं हो सकदा, ये मुसलमान की निशानी आओ। अज दुनिया के अंदर मिंबरां ते बह के मौलवी झूठ बोलते ने, ओ दोस्ता उन्होंने अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए वे। मेरे अमीर उल मोमिनीन की बहन फरमांदी है हाँ मेरे भाई जान मैं कलमा पढ़ लिया वे, मैं सोने मुहम्मद की गुलाम बन गई आओ। फरमाया हज़रत उमर फरूक ने अपने बहनोई नू मारना शुरू कर दिता है। इधर सजदा फातिमा दियां अक्खां मुबारकां चों आंसू जारी हो जाते ने और बड़े प्यार दे नाल हजारों कतार रोना शुरू कर देंदियां ने। इतने दे अंदर हजरत उमर फरूक दी तलवार उठ रही है और हजरत सईद जाके मत्थे मुबारक पेशानी ते लग जांदी आ, आप दियां हाई निकलदियां पईयां ने। इधर सजदा दी फरमाया अगे हथ आ जांदा है, आप दे फरमाया बड़े प्यार दे नाल चोट लगदी है। इधर दोस्ता सजदा फातिमा फरमांदियां ने ए ना कर, घर दी इज्जत नू कदी मारी नहीं गाओ, घर दी इज्जत नू कदी पमाल नहीं करी दाओ। हजरत उमर फरमाया मार मार के थक जांदे ने, अखीर दिल दे अंदर सोच आ जांदी है अज केड़ा जादू चल गया है कि अगे ते मेरी बहन मेरे साए तो डर जांदी जी, अज उमर दी मार भी असर नहीं करदी पई। सजदा फरमा रहीयां ने फिर मेरे मीर मेरियां बोटियां भी कर दवेंगा, मेरिया बोटियां च आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है, लिहाजा हुण मेरे दिल दे अंदरों तेरा डर खत्म हो गया है। मुशरक दा भरोसा सबाब ते हुंदा वे, मुवाहद दा भरोसा अल्लाह दी जात ते हुंदा है। इतने दे अंदर सजदा फरमा रहीयां ने, हजरत उमर नू सोच आ जांदी है, फरमाया नी मेरी प्यारी बहन अगे ते मेरे साए तो डर जानी सा, अज केड़ा नशा पिला दिता गया वे, अज केड़ा दुनिया दे अंदर रंगन नूरानी है, जिदे रंग दे अंदर तू रंगी गई है, लिहाजा तेरे दिल दे अंदरों मेरा डर खत्म हो गया वे। सजदा फरमा रहीयां ने ए मेरे वीर, मैं रब दा कुरान पढ़ लिया वे, मदीने वाली सरकार दा कलमा पढ़ लिया वे, लिहाजा जिहड़ा उहदा गुलाम हो जांदा वे उहनूं ते पत्थर भी गुलाब दे फुल दी तरह वजदे ने, उहनूं ते पत्थर भी गुलाब दे फुल दी तरह वजदे ने। इधर सजदा फरमाया अपनिया अक्खां मुबारकां चों हजारों कतार आंसू बहा रहीयां ने, वाह नी कमली वालिया तेरी इज्जत इज़्ज़त तों कुर्बान जावां, जिहड़ा तेरा हो जांदा है उह तेरे दुनिया दे अंदर गुलामी दे अंदर जिंदगी बसर कर दावे। इधर अमीर मोमिनीन फरमांदे ने नी मेरी प्यारी बहन जरा मैनू वखा ते सही, जिहड़े कुरान तों अज मुसलमान दौड़दा पिया वे, जिहड़े कुरान नू मुर्दियां नू पढ़ के बख्शी जा रहा वे, जिहड़े कुरान नाल अज बेवफाइयां हो रहीयां ने, ओ कुरान सजदा फातिमा पढ़ के सुनांदियां ने, ताहा मानजलनाओ अलई कल कुरान
मेरे रब्बुल आलमीन दा कुरान नाजल हुंदा पिया वे इधर दोस्ता सजदा फरमा रहीयां ने हजरत उमर फारूक दियां अखां चों आंसू जारी हो जांदे ने अज दा मुसलमान सुनदा मगर दोस्ता जालम दे दिल दी दुनिया नहीं बदलदी मगर मेरे अमीर मोमिनीन कुरान सुनदे जा रहे ने अखां मुबारक चों हजारों कतारे आंसू शुरू हो गए ने किवें ना उमर रोंदा उधर मेरे नबी दी दुआ कबूल हो गई आओ इधर उमर सर लैन वास्ते जा रहा वे जदों बहन ने मुश्कां बन लिया ने अरमाया सिगदा फरमांदियां ने आओ मेरे प्यारे भाई जान मैं तनू गुलाम बना के लैके जावांगी मैं सोने नबी दे दर दा कैदी बना के लैके जावांगी वे खान वाला तलवार लैके आ रहा वे हुण मेरे नबी दे दर दी मुहब्बत दा कैदी बन के जा रहा वे इतने दिन अंदर हसनैन करीमैन दे नाना जानना प्यार करन वाले आओ मेरे अमीर मोमिनीन फरमाया जदों दरे दौलत ते पहुँचदे ने सरदार अमीर हमदा पुछदे पए ने हजूर अगर उम्र खैर ना आवे फरमाया अहलम व सहलन मरहबा कहांगे अगर फरमाया बुरी नीयत दे नाल आया वे अज गर्दन उड़ा के रख दवांगा क्योंकि मम्मी अपने भतीजे दा कलमा पढ़न वाला वे मम्मी अपने भतीजे दे नाल मुहब्बत करन वाला वे जिदे उहदी नज़र बुरी उठेगी मैं ते अबू जाल दा सर भी फाड़ दिता ये भतीजिया उदो कलमा नहीं पढ़िया जे ते मुहब्बत दा आलम सी हुण ते तेरी गुलामी दे अंदर सब कुछ कुर्बान हो गया वे मैं सदके जावां मेरे नबी फरमांदे ने मेरे चाचा परेशान होण दी लोड़ कोई नहीं मेरी सरकार ने काली कमली बिछा दीती है अपनी कमली ते जगह दे दीती आओ फरमाया सोने आओ माजरा की आओ फरमाया इधर मेरे रब्बुल आलमीन ने अपने नबी दी दुआ कबूल कर ली आओ मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जानना प्यार करन वाले आओ अमीर उल मोमिनीन जदों आईन दोस्ता मेरे नबी दे दारे अरकम दे घर दे अंदर दाखिल हुंदे पए ने आपने फरमाया जी उम्र आया नहीं बल्कि उम्र ले आया जा रहा है ओ दोस्ता उम्र दुनिया दे अंदर हजरत तलहा आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने हजरत जुबैर आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने हजरत नूरैन आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने हैदर करार आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने सदीके अकबर आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने ओ दोस्ता जेड़ा भी आया है मेरे नबी दा मुरीद बन के आया है मैं सदके जावां उमर मेरे नबी दी मुराद बन के आया है उमर नू रब दे कोलों मंग के लियावे पता चलिया मेरा नबी मंगण वाला वे रब अता करन वाला है नबी दुनिया दे अंदर गुनाहां तो पाक हुंदा वे उम्मी नबी दी निशानी है नबी सो रिहा वे उहदा दिल जागदा हुंदा है और दोस्तां मेरे नबी दी इज्जत अज़मत तो कुर्बान जावां ए मेरे नबी दी निशान है देख आले हदीस दा की आओ असी आने एवें लभदा है जंगल बियाबान अंदर एवें लभदा है जंगल बियाबान अंदर मैं ते वसदा है तेरी जान अंदर ओ मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं ओ चौकीदार भी कोई बठाया नहीं जिथे मर्जी ओ बैठ पुकारी जा तू रब नू वादा मारी जा ओ दोस्ता अल्लाह दी जात नू जिथे पुकारिया जाए रब उथे सुनदा मगर दोस्ता मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जान ने फरमाया वे जिस दुआ दे अंदर दरूद पाक ना पढ़िया जाए ओ दुआ जमीन ते आसमान दे दरमियान लटकदी रहिंदी आ देख जो अकीदा जे आले हदीस दा वे ओ अकीदा रब दे कुरान दा वे मेरे मुस्तफा दे फरमान दा वे इत्थे बड़े प्यार ना कह जांदे ने मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद मगर दोस्ता मूंह नाल गल्लां करनियां सौखियां ने देख मदनी तेरी किताब दा हवाला लैके आया है मुफ्ती सैयद अहमद अली ओ दोस्ता बड़े प्यार दे नाल तहतावी सैयद अहमद तहतावी हनफी अपनी किताब मारकतुल अरा दे हाशिए दे अंदर नकल करदे ने और मुफ्ती असलम सालम ओ दोस्ता लाहौर दे अंदर रहण वाला उहदे घर दा नंबर 042-5370-370 नोट करके लै जाओ अगर झूठ होवे ते दोस्ता जो चोर दी सजा ओ मेरी सजा वे अगर जे तेनू शक होवे मेरे नाल चल इंशाल्लाह लाहौरों मच्छी खवाऊं कसूरों फलूदा खवावांगा ते फिर तेनू उस मुफ्ती साहब दा घर विखावांगा फिर उहदे कोल बिठावांगा ते जे ना मन्ने
ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੂਫੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਕਾਤੁਲ ਅਰਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ? ਨਬੀ ਮਾਨ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਖਤੀਬ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੋ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੋ, ਮਗਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ? ਮੁਫਤੀ ਅਸਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲਮ ਸਾਲਮ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਲੇ ਚੀਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਅਨਫੀ ਤਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਏ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਆਲੀ ਮੋਕਾਮ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਹਨਫੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤਬੇਰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਲਾਮਾ ਤਹਿਤਾਵੀ ਅਨਫੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜੀ। ਮਗਰ ਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਲਮੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਲਾਮਾ ਤਹਿਤਾਵੀ ਅਨਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰੂਦ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਜਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਆਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵਾਕੂਫ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ, ਔਰ ਵਾਹਦ ਵਹਾਬੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਕਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਮਦਨੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇਤੀਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਵੇਂ, ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਆਈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਅਦਾਓਂ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹਮ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤੁਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਰਹਿਮਤੁਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਓ, ਆਦਰਾ ਆਖਰੀ ਬਾਤ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਬਰੇਲਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਓ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਲਾਮਾ ਹਨਫੀ ਤਹਿਤਾਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਕਾਤੁਲ ਅਰਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਅਸਲਮ ਸਾਲਮ ਜਾਮਿਆ ਸੈਦੀਆ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਲਿਲ ਬਨਾਤ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਠਾਬ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੇਲਵੀ ਅਕੀਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਨਤ ਆਓ, ਮਗਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਬ ਏ। ਬੋਲੋ, ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਬ ਏ। ਦੇਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਦੂਦ ਨਾ ਫਾਤਿਆ ਨਾ ਦਰੂਦ ਆਨਾ ਵੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ ਦੋਸਤਾਂ, ਸੁਨਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ? ਵਾਜਬ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬੋਲੋ ਵਾਜਬ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆਊਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਦਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਆਊਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਆਊਂ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਏ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚੱਚਾ ਜਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਜੇ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਜਾਂਦਾ ਹੋ, ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਜਾਂਦਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਕਾ ਚੱਚਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਲੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਏ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਰੇਲਵੀ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਨਤ ਆਓ, ਮਗਰ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਬ ਆਓ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਤ ਕਵੇ, ਸੁਨਤ ਅਮਲ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਮਗਰ ਵਾਜਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓ?
मगर दोस्ता गुजारा नहीं हो सकता। इधर मेरी इमाम आली मुकाम देना ना जानना प्यार करने वाले आओ, अहले हदीस दा अकीदा नोट कर लो, दरूद तो बिना नमाज कबूल नहीं गे। जिस जनाजे के अंदर दरूद पाक ना पढ़िया जाए रब नू वो जनाजा कबूल नहीं गाओ, जिस दुआ के अंदर दरूद पाक ना पढ़िया जाए रब नू वो दुआ कबूल नहीं गे। वो दोस्ता दुनिया के अंदर मैं सदके जावा, ये आले हदीस दा अकीदा नोट कर लो, ये जनाब दुनिया के अंदर सुनना समझते ने, असी नमाज अंदर दरूद पढ़ना वाजब समझते हैं। वो दोस्ता मैं सदके जावा, देख आले हदीस दा अकीदा है, मेरे नबी पाक अली सलाम ना प्यार करने वाले आओ। मैं ना दुनिया के अंदर बंदा सारी दिहाड़ी फारग वक्त के अंदर दरूद पढ़ता रहे, हदीसे पाक के मुताबिक दुनिया के अंदर रब को कुछ भी ना मंगे, अल्लाह पिन मंगे ही सब कुछ अता कर देगा। ये दरूदे पाक इन्नी अमल इन्नी आन वाला इन्नी शान वाला अमल है। हुण भी जे कवे इहदा दरूद ना प्यार नहीं ते भाई जान वो हस्पताल दाखला लवे, जे नहीं मिलता तो मैनू कवे मैं शालीमार दाखिल करा देना जाके। मगर दोस्तों मेरे तो करना चाह रहा मैं किसी के उत्ते बतान ना लगाया कर, असी तो आने मगर तू आना ना हमे मुहम्मद जागते तुम्हें आओ, सब तो पहले आदम चूमे आओ, फिर चूमे अली उस्मान जी दे विच दो मीमा। मगर इतने भी एक उलमी नुकता बयान करना चाह रहे, मां काना मुहम्मद अबाहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। मेरा नबी पहलिया नबिया की शरीयत को खत्म करने वाला बन के आया वे, मेरा नबी पहलिया नबिया की शरीयत को खत्म करने वाला बन के आया है। भई ईमान ना दसो ली गल सुन वाली इलमी बात है, इतने नुकते की बात है। अगर घड़ी की घड़ी मन भी लिया जाए कि आदम अलैहि सलाम ने चुमिया, हालांकि वो दलील की है ईसाइया की किताब अंजील बरना बास के अंदर लिखे आए कि नबी आदम अलैहि सलाम ने वेख्या और गूठिया चुम के अखा के नाल लाया वे, मगर साडा अंजील तो ईमान है, मगर शरीयत ईसा ते साडा ईमान नहीं। जाओ वो दोस्ता अगर दुनिया के अंदर अगर कोई कहे कि आदम अलैहि सलाम की सुन्नत है, मैं बड़े प्यार दे नाल आना नहीं कि आदम अलैहि सलाम की शरीयत मनसूख हो गई है। अगर आदम की शरीयत अंदर चुमना जायज भी से, साडे नबी की शरीयत चुमना जायज़ नहीं गा। असी आदम की शरीयत नू मनदे नहीं गे, असी ते नबी आदम की नबूवत ते ईमान रखते हैं, मगर शरीयत मुहम्मदिया ते ईमान रखते हैं। इलमी बात करता पिया वे कि दोस्ता अगर चुमना जायज़ है कि नबी आदम ने चुमिया वे, मैं ना नबी आदम की शरीयत के अंदर ते जिहड़े पहले दिन बेटा पैदा हुंदा सी उहदा दूसरे दिन की बेटी के नाल निकाह कर दिता जाता सी, मैं ना अगर भैन के नाल उदों निकाह करना जायज़ है। मुफ्ती साहब जरा तुसीं भी करके दिखाओ, गलते कौड़ी है पर तेनों जवाब देना पवेगा। जो दोस्ता जवाब आजन सामने सवालों के जवाब देने पै जाते हैं, इस वास्ते दोस्ता एवें ठगिया ना मारिया कर, एवें दुनिया के लोगों को गुमराह ना करिया कर। असी नबी आदम की शरीयत नहीं मानते, असी बल्कि हुसैन दे नाना जान की शरीयत नू मनने। अगर दुनिया के अंदर तू शरीयत नबी यूसुफ नू मनना वे, वो दोस्ता वो तो फिर अकीदा सी कि नबी यूसुफ के भरावान ने अपने भरा सजदा किया, जरा तू बह हम मिंबर दे ते बंदियां नू कह मैनू सजदा कर, तेनू छित्र मार के मक्के लुनिया दे अंदर ना कढ़न तादा की क्यों भी कोई सजदा कर सकदा कोई करेगा? हुण मैं ही तुहानू आखां मैनू सजदा करो, तुसीं करोगे? इह किहदी शरीयत च जायज़ सी? नबी यूसुफ अलैहि सलाम किहदी शरीयत च? मगर साडे नबी दी शरीयत च जायज़। आपने फरमाया जे जायज़ हुंदा ते मैं बीबियां नू हुक्म देंदा कि अपने खावंद नू सजदा करना अपने, इन्नी शान है मेरे नबी। मगर असी कहने ना हमे मुहम्मद जागते तुम्हें आओ, सब तो पहले सदीक ने मने आओ, फिर मने अली उस्मान जी दे विच दो मीमा। असी पढ़ते दरूद सला मजी दे विच दो मीमा सल्लल्लाहो। नबी जरा ना पढ़े बेईमान बैठा, हूँ देखो अपने आंढ़ी गुआढ़ी नू केड़ा नहीं पढ़ता सल्लल्लाहो।
वसल्लम दाहियां सहारियां दौड़ियां आईयां आके सपने गला सुनाईयां असी आयो सुनो वेकन आईयां असी आयो सुनो वेकन आईयां हुंदा जिक्र जी दा सुबह शाम जी दे विच दो मीमा सल्लल्लाहो कढ़ाओ कढ़ाओ साज रा जल्दी करो सल्लल्लाहो इंज नी आवाज नहीं आई तुझी नहीं पढ़ लो एडा प्यारा कलमा है कि बीबिया नू होर कुछ नहीं लभदा जे किसी नू पीड़ी ना लभे ते एट ते बह जांदियां देंदियां खाना काबा बैतुल्ला मदीना पाकर पता नहीं इन्हें कितों आती इन्ह बीबिया खरे कितों कितों गल्ला लग जाए ने अल्लाह इन्हों हदायत दवे होर कुछ नहीं तो आदि आ राहदारी के ढाई सिपारे पढ़ लवो अरे मैं क्या बड़ी गल है ये वकील भी लब्भा तो चुन के लब्भा है जिदी बाल भी नहीं मनते छापी नहीं फिराते जो रब न आँदी है खाना काबा बैतुल्ला मदीना पाकर रसूल अल्लाह है सरूण बख्शी तू अल्लाह क्यों जी रब नहीं मनता हा ते आंदी रब नू आंदी तू बोलो तू अल्लाह नू कहना चाहिदा आंदी ए इनू रूह नू बख्शी तू अल्लाह बड़ी गल मगर असी आने सहारे पैगंबर रब दे आला सहारे पैगंबर रब दे आला एक दूजे तो सब ने आला मेरा मुर्शद सब तो आला मेरा मुर्शद पानी पिए पुनके ते मुर्शद फड़िए साडा निक्कियां सरकारां ते भेजदा ही नहीं क्योंकि इन्हां दी उत्थे दाल गलनी नहीं सारियां चुप हो जावे ते मेरे नबी ने बोलना ही उदों जद रब ने कहने सोनिया मंगदा जा मैं ता करदा जाऊं फिर मिलके पढ़ो मिलके संग दे क्यों जे मेहराओ मुर्शद सब तो आलाओ तेहराओ मुर्शद सब तो आलाओ जिस दी शान है बड़ी निरालाओ सोहना मुर्शद कमली वाला सोहना मुर्शद कमली वाला होया जिस ते नाजल कुरान जी दे विच माँ असी पढ़ दे दरूद सला मजी दे विच दो मीमा सल्लल्लाहो वसल्लम लखा नबी इस जग ते आए सबने रब कोलो रुतबे पाए साडे नबी रब कोल बलाए साडे नबी रब कोल बलाए सोना वी आई पी मेहमान जी दे विच सल्लल्लाहो है वसल्लम तो दोस्ता मैं ना लफ्जा ते इतफा फरमाऊ यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह फिर कदी मौका मिले आओ ते इंशाल्लाह हुसैन दे नाना जान दी इज्जत इज्मत दे बारे गौर करके जाऊं ओ दोस्ता मैं अर्ज करने दा मकसद रखदा जाऊं मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना जान नाल इहदा प्यार हकीकी लफ्जा दे अंदर आओ अल्लाह दे कुरान ते गौर कीता जाए हुसैन दे नाना जान दे फरमान ते गौर कीता जाए और गल गल दे अंदर कुरान ते अमल कीता जाए अल्लाह दे कुरान ते अमल कीतिया रब के कुरान में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी मेरे इमाम आली मुकाम देना ना जानदा हजरत अमीर अल मोमिनीन ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने कुरान सुनन दी वजह तो मुसलमान होए ने ओ दोस्ता फिर आज तू ही रब दा कुरान सुनया कर ए मदरसा आयशा सदीका लिल बनात बनाया वे अपनियां बच्चियां नु इते दाखिल कराया कर अपने बच्चियां नु दीन दी तलीम दिलाया कर क्योंकि साडा अकीदा आ मन लै कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना ओ फिर लग जा नबी दे आके रब दवेगा जन्नत आपे ना कर तू जुलम दे पापे इत बैठ सदा नी रहना ओ छड़ रस्म रवाज तमामी छड़ रस्म रवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी ओ तेनू हूरा भी देन सलामी मैं राती ने सुरगोदे कह बेटा
मैं क्या बाबा जी उते 70 हूरां होनिया ने 70 माल मिलने ने बाबा दा इन्ने फूकने ने मैं क्या दूजे किराए चाल नहीं आंदा ने आए मदनी साहब इन्ने में फूकने ने मैं बाबा तुझे किराए चाल नहीं दे अल्लाह कलो दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अनायत फरमाए नहीं वो एक शेर सुना ना एवें ते नहीं जानदा जमाना अहले हदीस नो एवें ते नहीं होया जमाना अहले हदीस दा बढ़िया शाना वाला ए पीर अहले हदीस दा बढ़िया शाना जड़ा ना पड़े बे मुर्शिदा मारिया जाओ बे पीरा मारिया जाएगा गड्डी च बैठे हो आंदे ने तू किदी बैठे तू किदी बैठे चलदियां चलदियां असगर तक भी गल आ जांदी ए ए आंदा मैं ओदी बैठे जिदी सारे बैठ ने क्यों भी असगर है कि नहीं गल दुआ करो अल्लाह इनू सेहत दे दवे रब इनू मक्के लै जावे मुड़के लियाए ही ना तो साड़ियाँ टेस्टा कौन करेगा आए नहीं भी ला वापस भी लै आवे आते मौली कह जाते ने पूछे ना जानते थे मगर अल्लाह पाक इन वापस भी लै आवे क्योंकि मक्के जाने जी करता है ना कहो इंशाल्लाह दे साडा मदीने जाने भी जी करता मक्के जाने भी मगर यह पता कहते मैनू पाओ पुला दे हार मैं मदीने चली हाँ दसो एडी दाड़ी है तो चली है मैं क्या मौली साहब इनू मेकअप करो शिंगार करो तो फिर मदीने कलो मगर भाई जान वेखो एडी दाड़ी एडा जुब्बा पाया दस मन खीर खा गया होगा मैनू पाओ फुला दे यार मैं मदीने चली हाँ वे मिंबर ते बह के झूठ भरता पता नहीं चली है कि चला है ही चला है ये है ही चला है इनू अकल ही नहीं कि गल कर दी मैं मदीने चली भाई जान अच्छा मैनू गल याद आ गई वो ना मियाँ साहब ना मरीदा च बैठे से ते एक मीर आलम ना बड़े प्यार ना आंदा है भुखे मरन दें ते चलो मियाँ साहब शाहवां दी बड़ी कदर करदे ने ते चलो आपां शाह बन के चलने उत्थे शाह बन के चलने ते वेखो एक करामत दे अंदर गल की है जी एह जी मियाँ साहब आने वाले हालात जानदे ने आने वाले हुण मियाँ साहब ने ना मीर आलम नूं आंदा वेख्या ते आखे आओ जी शाह जी बैठो सराहने सराहंदी जनाब जगह देती हुण शाह उन्हां दी बड़ी खिदमत होई है टहल सेवा होई ते मीर आलम हुंदी ते बड़ी सियाणी कौम है ना है उन्हें जनाब जरा जदों टहल सेवा करा ली ना हुण डीगर दा वेला हो गया ते आंदा है हुण मैं चला किते पोल ही ना खुल जावे किते ते मियाँ साहब आंदा अच्छा मियाँ मैनूं इजाजत दवो मैं हुण जाणा है मैं आले रसूल हाँ साहबजादा है शहजादा नशीन हाँ आपने नहीं बई मैं ते विद्या करके आना जिवें 40 दिनों बाद रूह विद्या कर देने आते ऐ मैं तेनूं विद्या करके आना है मैं छावां नूं ना विद्या करके आना वैसे भी मेहमान नूं अलविदा कहन जाना चाहिए पर मौलियां ते जांदिया कोई सलाम दा भी नहीं ना लैंदा आते आते क्यों बई मौलियां ते जांदिया कोई सलाम दा भी नहीं लैंदा पर गल सुनदे लै के ਇਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਾਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਬਣੀ ਮਗਰ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਬੋਲੋ ਆਲਿਮ ਉਲ ਗਈਬੀ ਫਲਾ ਯੁਜ਼ਹਿਰੂ ਅੱਲਾ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਮਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਨਾਬ ਦੋਜ਼ਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਆਹਣਾ ਇਹਦੀ ਭੈੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਗੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗੱਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਗੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਆ ਕਨਾ ਬੁਧੂ ਈਆ ਕਨਸਤਾਈਨ ਈਆ ਕਨਾ ਬੁਧੂ ਅਤੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਟਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਟਨਾ ਚੜਿਆ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਇੰਝ ਵੀ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਬਲੀਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ
अल्लाह पाक ने दया दे मैं टेंशन ही हो जाओ इतने ही अड़ गया स्प्रिंग ता दे टेंशन ही हो जाओ साडा की छुड़िया है जे कानूनी तौर पर हदीस के लिहाज ना भी बनन ना तो लो भाई जान ए वेखो नबी पा ने फरमाया कि सज्जा उत्ते खब्बा थले तीन उंगलों कितने ने उत्ते ते हुण लो जी मैं हाथ बनन लगा है इदा वाकू सबका मैनू वेला याद है जी भुलिया नहीं गा लो जी इंज हूँ ईमान ना दसो बई आ हाथ कितने है जी थले कि नहीं उत्ते तो नहीं तो जे इतने आ जाए असी इतें भी उत्ते थे उत्थे भी इंशाल्लाह अल्लाह को दुआए अल्लाह अमल की तौफीक अनायत फरमाए वाखिर दावाना करीम रब्बाना आतिना फिर दुनिया सनतों फिर आखिरत सनतों वकिना अज़ाब अन्नार वकिना अज़ाब अल-क़ब्री वकिना अज़ाब अल-हश्री वकिना अज़ाब अल-सिरात वकिना अज़ाब अल-मीज़ान ए मेरे पाक परवरदिगार आलम ईमान ते रकीमान ते मारी मरदे वक़्त कलमा नसीब फरमाए क़यामत अल दिन अपने नबी दी शफ़ात नसीब फरमा दई मेरे पाक परवरदिगार आलम जितने भी मुसलमान परेशान ने अल्लाह सब दियाँ परेशानियाँ दूर फरमा दई या अल्लाह परेशानियाँ मालका दूर कर दे तेनू तेरे फजल दाई ए मेरे मौला अपनी रहमत दे सदके साड़ियाँ सब दियाँ परेशानियाँ दूर फरमा दई या अल्लाह जितने भी मुसलमान बेरोजगार ने अल्लाह सब नू अल्लाह तो आला रोजगार अता फरमा दई ए मेरे पाक परवरदी यारे आलम जदो कोई साया ना होवे अपने अर्शदा साया नसीब फरमा दई अल्लाह मेरिया मावां ते बहनां तेरे दरबार च जोलियां फैलाईयां ने ए मेरे मौला जिन्हां दी औलाद इन्हां दी फरमा बरदार है मापियां दा फरमा बरदार बना दई अल्लाह जिन्हां दी औलाद ना फरमाने मापियां दा फरमा बरदार बना दई ए मेरे मौला मावां बहनां दी इज्जत करन दी तौफीक अनायत फरमा दई अल्लाह जिन्हां दियां मावां इस दुनिया तो जा चुकियां ने कबरां जंती बागां चो बाग बना दई ए मेरे पाक परवरदी आरे आलम बजुर्गां ने तेरे घर दे दीन दे मरकज च पंखे लगाए ने अल्लाह इस दे बदले दे अंदर बजुर्गां नूं आला मकाम अता फरमा दई ए मेरे मौला अपनी रहमत दे नाल कयामत दे दिन जदों कोई साया ना होवे अपने अर्श दा साया नसीब फरमा दई ए मेरे मौला दोस्तां ने तावन कीता वे या अल्लाह सब दा तावन कबूल फरमा के जदों प्यास लगी हो गई मेरे मौला प्याज बजान वास्ते पानी ना मिले अल्लाह उस दिन शहन देना ना जान दे उसके कौसर तो जाम नसीब फरमा दई ए मेरे पाक परवरदी यारे आलम ए तेरे गुनाहगार बंदे से आकार बंदे तेरे दरबार च हाथ उठा के बैठे ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडियां गलतियां माफ फरमा दई ए मेरे मौला जिन्ना मावां नूं औलाद नहीं दिती अल्लाह उन्हां मावां दियां बच्चियां नूं उन्हां मावां नूं नेक ते सालिया औलाद ता फरमा दई अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडियां गलतियां माफ फरमा दई या अल्लाह बैतुल्ला दियां ज़ियारतां नसीब फरमा दई अल्लाह अपने घर दियां ज़ियारतां नसीब फरमा दई इलाही दिखा दे मक्का मदीना वो कैसी बस्ती है जहां दिन रात मेरे मौला करीम तेरी रहमत बरसती है व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन. Yeah.